नमस्कार, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पोटैटो पैनकेक। और पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े साइज़ के पोटैटो, रॉ पोटैटो ले रहे हैं हमें, और एक प्याज। प्याज को हमने छील लिया है। अब हम इन तीनों पोटैटोस को छील कर और इनको ग्रेट कर लेंगे। ये हमारे पोटैटोस जो कि हमने ग्रेट कर लिए हैं, और इसमें हमने अनियन भी ग्रेट करके डाल लिया। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अनारों, जिससे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और इसमें डालेंगे बेसन, तकरीबन 1 चम्मच ही बेसन लेना है। चम्मच हमें बेसन लेना है, और इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इसमें आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है। और अब इस सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने लोहे का तवा ले लिया है, जिसको कि हमने अभी तेज आग पर रख दिया है। थोड़े टाइम बाद हम इसको धीमे कर देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और जो भी हम डालें वो जले ना। अब हम इसमें जो हमने बैटर बनाया था, हम इसको इस पर फैला देंगे। और फैलाने के बाद इसको शेप दे देंगे। इसमें ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। घी, बटर, रिफाइंड, कोई सा भी आप ले लीजिए। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप शुरुआत छोटे छोटे बनाकर करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब हम इसको धीमी आग पर थोड़ी देर पकने देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अंदर से थोड़ा थोड़ा सा सिक गया है, इसको हम ऐसे करके देख लेंगे और फिर उसको पलटने की तैयारी करेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथ से करना है, वरना ये टूट भी सकता है। और कच्चे पर तो ये बिल्कुल भी ना पलटे, वरना ये बिल्कुल टूट जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से पकने दें, उसके बाद ही इसको पलटें। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे से बिल्कुल सिककर आ चुका है। देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सिककर आया है। और अब आप इसको, हम इसको दूसरी साइड से ऐसे ही सिकने देंगे। इसको सिकने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हमारे आलू जो है वो है कच्चे, और कच्चों को सिकने में टाइम लगता है। इसको ऐसे ही सिकने दीजिए। अब हम फिर से दोबारा से दूसरी तरफ पलट कर देख लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारा पैनकेक बिल्कुल बनकर तैयार है, और हम इसको सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये हमारा पोटैटो पैनकेक तैयार है। आप इसको रेड सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ, जो भी सॉस आपको पसंद हो, आप उसके साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।